फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरफ बोर हो गए हैं कर्सर का ये एरो साइन देख देख के, तो आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर के आया हूँ। आप इस एरो को रिप्लेस कर सकते हैं अपने मनपसंद आइकन से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आपको कस्टम कर्सर लिख के सर्च करना है। यह है फर्स्ट रिजल्ट कस्टम कर्सर का, हमें इस पे जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आप पहले मेक श्योर करें कि ये वेबसाइट ऐसी सिमिलर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको ढेर सारे आइकन दिखेंगे और आप इन आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल बोरिंग एरो वाले आइकन की जगह। तो ढेर सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी थीम का कर्सर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हेलो किटी मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा इसका एक प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं नीचे, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। आइए हेलो किटी का प्रीव्यू देखते हैं। तो हमारा कर्सर कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक प्रीव्यू स्क्रीन भी आती है। आप यहाँ पर एक प्रीव्यू बॉक्स भी आता है जिसके ऊपर आप होवर करके आप देख सकते हैं कि आपका कर्सर कैसा दिखेगा अगर आप उसको एरो से रिप्लेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, नॉर्मल मोड में ये किटी की तरह दिखेगा और फिर व्हेल का आइकन आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा कस्टम कर्सर का। मेक श्योर आप विंडोज़ वाले सेटअप को ही डाउनलोड करें। मैं आपको भी डाउनलोड करके दिखा भी दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ये डाउनलोड बटन पे आएंगे आप तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ और डाउनलोड फॉर क्रोम आएगा। तो आपको पहले, अगर आप सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं अपने पूरे विंडोज़ में, तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक सेटअप डाउनलोड होने लगेगा। उस सेटअप को इंस्टॉल करके आपको, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4.9 MB का एक सेटअप डाउनलोड हुआ है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इस कर्सर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये फाइल जो है जो डाउनलोड हुई है हमारी, ये कस्टम कर्सर नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड हुई है। इसको इंस्टॉल करेंगे हम और फिर आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे आइकन को। और फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम में यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रोम में आपका ये कर्सर आइकन दिखेगा, बाकी डिफ़ॉल्ट आइकन जो एरो है वो थ्रू आउट सिस्टम पूरे विंडोज़ में दिखेगी। सिर्फ क्रोम में आप जब भी लॉन्च करेंगे क्रोम, तो कर्सर आपका चेंज हो करके वो पर्टिकुलर आइकन बन जाएगा। उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें काउंटिंग बाइट्स को। थैंक यू।